नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे ही दिसंबर का महीना समाप्त होने वाला होता है और जनवरी का महीना आने वाला होता है, हम सभी को ये लगता है या हम सभी लोग इस बात को जानने का उत्सुक होते हैं, जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि हमारा आने वाला जो साल है, हमारा आने वाला जो वर्ष है, वो हमारे लिए कैसा रहेगा। खुशियाँ लेकर आएगा या कुछ परेशानियाँ लेकर आएगा। अगर खुशियाँ लेकर आने वाला है तो कौन कौन सी खुशियाँ, या कब कब वो ऐसा समय होगा जब हमको कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है, कौन सा ऐसा खराब समय होगा जिसको हमें अच्छे से उसको बिताना है, इन सभी चीज़ों की जानने की हमारी लालसा होती है, हमारी इच्छा होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक वीडियो की श्रृंखला आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसमें टोटल में 12 वीडियो आपको देने वाला हूँ। उस 12 वीडियो में आपको 12 राशियों के बारे में पूरा संपूर्ण हाल जो है, यानी साल भर आपका कैसा बीतेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते कि आपका साल कैसा रहेगा, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये 12 वीडियो की श्रृंखला है। इस वीडियो में, यानी जो आज का वीडियो है, इसमें मैं केवल एक ही राशि के बारे में बताऊंगा। आगे आने वाले मेरे जो वीडियो होंगे, उसमें बाकी राशियों के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए, अभी तक आपने 9 राशियों के बारे में जान चुके हैं। पिछले मेरे 9 वीडियो जो थे, वो पहली 9 राशियों के बारे में थे, उनका जो वर्षफल है वो कैसा रहेगा, ये मैंने आपको बताया था। आज हम बात करने वाले मकर राशि की, कि मकर राशि वाले लोग जो हैं, उनका जो वर्ष है वो किस प्रकार से रहेगा। मकर राशि वालों के लिए इस वर्ष अपने कार्य क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने का पूरा मौका मिलेगा और ये लोग अपनी पूरी शक्ति भी लगा देंगे इन कार्यों को करने में। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो इस वर्ष आपको अप्रत्याशित ढंग से पदोन्नति, अधिकार एवं सम्मान प्राप्त होगा, यानी आपका प्रमोशन भी होगा, आपको अधिकार भी मिलेंगे और सम्मान भी मिलेगा, जिससे विरोधी वर्ग आपको परेशानी में डाल सकते हैं। अप्रैल और जून का उत्तरार्ध इस दृष्टि से महत्वपूर्ण घटना प्रसंगों वाला रहेगा, यानी कि जो जून का महीना है और जो जुलाई अप्रैल का महीना है, उसी महीने में ये सब काम होगा। कि आप दूसरों के पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाए, यानी कि आप अपने साथ वाले लोगों को पीछे छोड़ते हुए आप आगे निकल जाए। अनचाह स्थानांतरण रद्द हो सकता है, अगर कोई ऐसा स्थानांतरण हो रहा है जो आपको नहीं चाहते, तो वो रद्द हो सकता है। मार्च के उत्तरार्ध में दूर प्रवास की योजना बन सकती है। यदि आप बेरोजगार हैं तो जून के बाद रोजगार मिलने की संभावना अधिक है। पारिवारिक उद्योग के लिए संपत्ति बढ़ाने में परिस्थितियां अच्छी मदद करेगी। आसानी से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। संतान पक्ष की चिंता होगी। घर पर मांगलिक कार्य संपन्न होगा। सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में विजयश्री कड़े संघर्ष के बाद ही प्राप्त होगी। घर में दूर के रिश्तेदार का आगमन लंबे समय के लिए हो सकता है। मार्च में चोट, मोच, वात, व्याधि का योग भी है। यदि आप रक्तचाप से पीड़ित हैं तो जून एवं अक्टूबर के में कष्ट हो सकता है, यानी कि आपको ब्लड प्रेशर है किसी प्रकार का, या आपको किसी प्रकार का जोड़ों का दर्द है, तो वो भी इस महीने में, यानी कि अक्टूबर और जून के महीने में हो सकता है। यदि आप राजनीतिज्ञ हैं तो इस वर्ष चुनाव के सिलसिले में आपको गृह नगर से बाहर जाना पड़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। उत्पादन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के योग हैं। अगर आप ये सब चीज़ चाहते हैं तो आप हनुमान जी की आराधना और गणेश जी की पूजा जरूर करें, और हाथ में नीलम रत्न धारण करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फलदार वृक्ष लगाना आपके लिए लाभकारी है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंच को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।